हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, फिर चलते हैं हमारी आगे डिस्कशन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ हुआ है केसीसी स्कीम को लेके। केसीसी का मतलब यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पब्लिक सेक्टर्स बैंक और तो तीसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे, एक्चुअली तो पुराने हैं ऑप्शन, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, इस तरीके से आपको बताना है। देखो, हम बात करें केसीसी स्कीम के बारे में तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट है, तीनों के तीनों ही ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्योंकि जो केसीसी स्कीम है, किसान क्रेडिट का स्कीम है, ये बेसिकली रीजनल रूरल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जैसे सहकारी बैंक कहते हैं, उनके द्वारा इम्प्लीमेंट है वो की जाती है। मतलब जिस एरिया में जो बैंक अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट है वो की जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कंटेक्स्ट के बारे में भी और क्या है। देखो, अभी एक्चुअली न्यूज़ ये आई थी कि जो इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन है ना, उसने अभी एक गाइडलाइंस और अभी कुछ इश्यू गाइडलाइन है वो जारी की थी। वो गाइडलाइन कुछ इस प्रकार थी कि भाई, जो केसीसी स्कीम है ना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इसके तहत जो भी आप जैसे कि प्रोसेसिंग चार्ज लेते हो, डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्ज लेते हो, या फिर आप जैसे भी इंस्पेक्शन वगैरह करते हो, उनके जो भी चार्जेस होते हैं ना, वो अब ऑफ कर दिए जाएंगे। मतलब वो चार्जेस किसान को पे नहीं करने होंगे। देखो, होता क्या है कि जैसे मान लो कि किसी किसान ने 30,000 रुपये का लोन लिया। अब होगा क्या कि अगर वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर इनमें क्या है उसका नहीं, 4-5 हज़ार रुपये तो इनका ऐसे ही खर्चा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं किसान के ऊपर बर्डन ही तो बढ़ाना। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया कि भाई, किसानों को जितने पैसे वो डायरेक्टली मिलें, ऐसा नहीं कि फालतू के जो खर्चे बढ़े और किसान को पैसा कम मिल सके। इसके लिए ये जो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह इनको हटाने की बात हो की है कि भाई ये ऑफ है वो कर दिया जाए। तो ये इनिशिएटिव किसानों को क्या है कि एक तो ईजिली उनको पैसे मिल जाएंगे और किसानों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ यार, हम जितना पैसा लेंगे उतने पे हमें इंटरेस्ट वगैरह देना है, बाकी हमारे लिए फालतू का बजट झंझट है वो नहीं होगा। तो ये तो आया कुछ कंटेक्स्ट के आधार पे। बेसिकली जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है ना, ये आई थी 1998-99 के बजट के टाइम पे, इसको है जारी है वो किया गया था। ये इसमें आपको ध्यान में रखना है, उस टाइम पे एक कमेटी थी जिसका नाम था वी गुप्ता कमेटी। तो ये आपको ध्यान है, वी गुप्ता कमेटी की हेल्प से नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है। देखो, आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि नाबार्ड है वो कभी डायरेक्टली किसानों को लोन नहीं देगा। नाबार्ड का काम क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करना, बट नाबार्ड खुद पैसे नहीं देगा। नाबार्ड एक बहुत बड़ी संस्था, एक तरीके से एक टाइप का बैंक है जो क्या करेगा, अपने जो नीचे जो और टाइप के बैंक्स हो गए, जैसे रीजनल रूरल बैंक हो गया और जो बैंक्स हो गए, उनको पैसा देगा कि हाँ भाई आप लो पैसा, फिर वो बैंक्स हैं वो किसानों को इस तरह के पैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो करेंगे। तो ये इसमें प्रोसीजर है वो होती है। तो ध्यान रखना, नाबार्ड एक तरीके से बैंकों के बैंक के तौर पर काम हो करता है। यहाँ पे नाबार्ड डायरेक्टली किसानों को लोन है वो नहीं देता है। तो ये इफेक्ट आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। पहला ऑप्शन, सॉरी स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि जो एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है यानी कि AMIF जो फंड है, उसका जो पैसा है वो SBI में क्रेडिट होगा और फिर उस पैसे का यूज है वो यहाँ पे बात की जा रही है वो होगा एग्रीकल्चर मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रामीण एरिया में, या हम बात करें होलसेल मार्केट है उसको डेवलप करने में। मतलब पैसा SBI बैंक के थ्रू विधायक डिस्ट्रीब्यूट है वो यहाँ पे किया जाएगा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर मार्केट को काम करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट और जो यूनियन टेरेटरी की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सब्सिडी के ऊपर लोन है वो प्रोवाइड करेगा। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, हम बात यहाँ पे करें, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहले स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है वो हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इसमें गलती दी हुई है, गलती ये दी कि ये SBI बैंक नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे नाबार्ड है। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे नाबार्ड है, उसकी हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब नाबार्ड के थ्रू पैसा दिया जाएगा ना कि SBI बैंक का। तो ये इफेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो जाता है क्योंकि जो पैसा है वो नाबार्ड के थ्रू दिया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है कि नाबार्ड है, उसकी हेल्प से पैसा है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है दरवाजा बंद कैंपेन को लेके, दरवाजा बंद पार्ट टू कैंपेन को लेके। पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है कि है वो लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत और कंट्री में। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसका जो फोकस है वो रह रहा है कि ओपन डेफिसिट फ्री, मतलब खुले को शौचमुक्त भारत गांव है वो बनाना, मतलब भारत में जो गांव है उनको खुले में शौचमुक्त है वो तैयार करना। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि यह है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्टेड है।
अब यहाँ पे हम बात करें देखो तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि यह भी न्यूज़ में भी था और दरवाज़ा बंद जो कैंपेन है वो पहले से स्टार्ट हुआ था, बट अभी इसका पार्ट टू है वो लॉन्च है वो किया गया है, तो इसलिए यह भी न्यूज़ में आया है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा ध्यान है वो रखना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको किया है। इसकी जो मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री यहाँ पे आती है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री है वो इसके लिए काम हो कर रही है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है MPLED स्कीम के बारे में, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस स्कीम में लोकसभा का जो MP है उसको एक्चुअली 8 करोड़ रुपए मिलेंगे और वो 8 करोड़ रुपए कलेक्टर को दे जाएंगे और फिर इसको इम्प्लीमेंट अपनी कंसल्टेंसी में वो किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है वो इसको इम्प्लीमेंट है वो करेगी और वो ही स्कूल मॉनिटर वगैरह है वो करेगी। अब आपको बताना है कि यहाँ पे दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हम यहाँ पे बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इसमें 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना कि 8 करोड़ रुपए का, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। UPSC काफी बारीकी से आजकल क्वेश्चन से वो कई बार पूछ लेती है, तो ये फैक्ट ध्यान रखने के भी 5 करोड़ रुपए पर NM है वो MP को मिलेंगे अपनी कंसल्टेंसी के लिए और वहां पे है वो जो कलेक्टर्स हैं कलेक्टर फिर इंप्लीमेंट उसको आगे ढंग से करेंगे और ये वैसे इंप्लीमेंट है वो की जाएगी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा। राज्यसभा के MP हैं उसको भी एक्चुअली पैसे मिलेंगे, राज्यसभा का MP है वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जहाँ से भी इलेक्ट हुआ है उसको वहाँ में जहाँ से भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ से वो पैसा है वो इन्वेस्ट है वो एक तरीके से यूज है वहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही जो नॉमिनेटेड पर्सन हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर MP हो गए वो भी लोकसभा राज्यसभा के हैं उनको भी एक्चुअली सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का मौका है वो मिलेगा। तो UPSC ऐसे भी पूछ सकती है कि जो नॉमिनेटेड MP वगैरह होंगे उनको इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करने में वगैरह मिलेगा ऐसे ऐसे, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि नाटो। आप सबसे पहले तो ये बताओ कि नाटो को बनाया क्यों गया था। देखो नाटो है वो बनाया गया था बेसिकली USSR को काउंटर करने के लिए उस टाइम पे 1949 के टाइम पे, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे USA और USSR यानी उस टाइम का जो रशिया आज का जो रूस है उस टाइम उसको USSR के नाम से जानते थे और उन दोनों के बीच में कोल्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था और उसी दौरान एक्चुअली नाटो बनाया गया था, एक अलायंस बनाया गया था और रशिया के द्वारा भी एक अलायंस बनाया गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो USSR के द्वारा भी एक अलायंस बनाया गया था, ग्रुप बनाया गया था, जिस तरीके से USA ने नाटो बनाया था उसी तरीके से उस अलायंस का उस ग्रुप का नाम क्या था। अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आई होप आपको वहाँ इसके बारे में आराम से मिल गया होगा, 12th क्लास की जो पॉलिटिकल NCERT है उसमें इसके बारे में मेंशन भी किया गया है कोल्ड वॉर के बारे में। पहला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे खैर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यह एक अलायंस है 29 कंट्रीज का और आगे कह रहा है कि ओनली फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, मतलब इसमें केवल और केवल नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंट्री ही शामिल है 29। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द फंडामेंटल रोल ऑफ नाटो इज सेफ गार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, मतलब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि फ्रीडम और जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित करना अपने जो भी यहाँ पे हम इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए मिलिट्री की हेल्प से या फिर पॉलिटिकल तरीके से। तो अब आपको कहना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो यहाँ पे हम बात करें दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है वो सही है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ जो अटलांटिक ट्रीटी है ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली 29 कंट्रीज के द्वारा ही है और उसमें जो मेंबर हैं वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज ही हैं। ये एक्चुअली फोर्स में आई थी 4 अप्रैल 1949 को और ये बनाई क्यों गई थी वो मैंने आपको बता दिया था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे आई थी। अभी ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि एक कंट्री है जिसका नाम है माकेडोनिया, ये कंट्री है उसने अभी मतलब साइन किया है नाटो को ज्वाइन करने के लिए और USA की तरफ से इसको सपोर्ट है वो किया गया है। तो देखो अभी एक तरीके से मतलब इसमें जो मेंबर हैं वो अभी तक 29 ही हैं, 30 मेंबर अभी बने नहीं हैं क्योंकि जो 29 कंट्रीज अगर वो रेक्टिफाई कर दें कि हाँ भाई ये कंट्री मेंबर बन सकती है तभी इसके मेंबर की संख्या बढ़ेगी, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि न्यूज़ में था तो UPSC में भी पूछ ले। अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बारे में। देखो कंटेक्स्ट है, काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा था कि जो पृथ्वी का उत्तरी जो चुंबकीय ध्रुव है वो मूव कर रहा है। तो एक तो देखो UPSC इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकती है, एक तो UPSC आपको ये पूछ सकती है कि जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो दोनों एक ही जगह होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों एक जगह नहीं होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जिस तरीके से ज्योग्राफिकल
हम बात करें ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल का मतलब ये होता है कि जो हमारी जो देशांतर रेखा होती है ना, जो ये वाली इस तरीके से, ये जहाँ पे मीट कर रही है ऊपर की साइड नॉर्थ वाले में, वो होता है नॉर्थ पोल। जैसे यहाँ पे मीट करती होगा नॉर्थ पोल और नीचे वाला होगा साउथ पोल। ये तो हो गया ज्योग्राफिकल। बट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिफरेंस क्या होता है कि देखो, आपको पता है कि हमारी अर्थ के अंदर जो कोर है, इनर कोर तो सॉलिड है और आउटर कोर होगी वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो उसमें जब भी अगर वेरिएशन आएगा ना, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इनमें चेंजेस वो होते रहते हैं। तो जो बीच के अंदर अब जिसमें निकल और लोहा वगैरह है, इसकी हेल्प से जो मैग्नेटिक पोल है वो बनते हैं। तो अभी जो नॉर्थ वाला है ना, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, इसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। पहले तो जो इसका सेंटर था ना, वो था एक्चुअली इस साइड कनाडा की साइड, बट अभी ये धीरे धीरे वो रशिया या हम बात करें साइबेरिया की तरफ है वो मूव कर रहा है। तो ये इसको लेकर न्यूज है आई है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ ले, ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएगी बट फिर भी मैं थोड़ा फेक्ट है वो पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो अभी धीरे धीरे कनाडा आर्कटिक जो सर्किल है इसकी तरफ से साइबेरिया की तरफ मूव है वो कर रहा है। अब एक तो ये ध्यान रखना कि ये होता क्यों ऐसा। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, अर्थ के अंदर जो आउटर कोर जो लिक्विड फॉर्म में है ना, इसके अंदर टर्बुलेंस, मतलब इसके अंदर ये मान लो कि लिक्विड फॉर्म है, तो इसकी अगर इधर उधर चक्कर लगा रही है, इसमें कुछ चेंजेज आ गए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो गई, तो ये मूव कर रही होती है। तो उस दौरान ये इफेक्ट है वो हो सकता है टर्बुलेंस पैदा होने की वजह से। अब आपको यहाँ पे एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि जो नौ परिवहन यानी कि हम बात करें नेवी वगैरह, जो एक तरीके से हम कंपास यूज करते हैं, चुंबक वाला कंपास, उसमें है इफेक्ट करती है। ये ध्यान रखना है कि जो हमारे फोन में जीपीएस वगैरह होता है ना, वो इफेक्ट नहीं होगा ऐसे। क्यों? कि जो जीपीएस हम जो यूज करते हैं, नाविक वगैरह हुआ या फिर बेदू वगैरह, जिस तरह के अलग अलग है, वो ये एक्चुअली सेटेलाइट बेस्ड होते हैं। मतलब ये सेटेलाइट के ऊपर आधारित होते हैं, ना कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे। जो हम नॉर्मली चुंबक का जो यूज करते हैं ना, चुंबक को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आधार पे, उनमें एक्चुअली वेरिएशन है वो भी आ जाएगा। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि यह जीपीएस के डायरेक्शन को प्रभावित करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जीपीएस के डायरेक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है उसको नौका जो शिप्स वगैरह होते हैं इनमें यूज किया जाता है, वो यहाँ पे इफेक्ट है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स को लेके। कंटेक्स्ट यह है कि देखो, जो फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर था इंडिया में, जो कि गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा था गुजरात में, वहां पे स्थापित किया गया था। तो पहला फैक्ट तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में होगा भाई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो फाइनेंशियल सर्विस होगी उनका सेंटर इंडिया में बनाया गया है। किस तरह की सर्विसेज? जैसे कि एक तरीका तो हो गया फंड राइज करना हो कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप्स को, या फिर जो कॉरपोरेशन हो गया गवर्नमेंट वगैरह को, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट करनी हो, या फिर एक तरह से ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट की बात हो, क्रॉस बॉर्डर टैक्स लाइबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन की बात हो, या फिर एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन की बात हो, इंश्योरेंस हो, री इंश्योरेंस की बात यहाँ पे की जा रही हो, मतलब ग्लोबल जो फाइनेंशियल सर्विस हैं उनका एक तरीके से इंडिया में एक सेंटर बनाया गया है, जिसको गुजरात की गिफ्ट सिटी में बनाया गया है। तो पहला तो फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है। अभी न्यूज़ में क्या है, अब देखो अभी न्यूज़ में ये चीज़ आई है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हो गया, अब आप ये देखें कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की फाइनेंशियल सर्विस है, इसका मतलब यहाँ पे सेबी की डायरेक्शन भी इंप्लीमेंट होंगी, इसके साथ आरबीआई की भी डायरेक्शन इंप्लीमेंट होंगी। और हम बात करें अगर इंश्योरेंस का मामला है, तो यहाँ पे आईआरआईडी है, उसका भी कुछ ना कहीं गया ना कहीं रोल होगा। या फिर हम बात करें और भी तरह के जो स्टेक होल्डर होगी, रेगुलेटरी बॉडी होगी, उनका रोल यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हो कि एक ही सिटी है या एक ही ऐसा सेंटर बनाया गया है हमारे देश में, वहाँ पे इतनी डिफरेंट जो स्टेक होल्डर हो गए या फिर और जो कंपनीज होगी एक तरीके की, अगर इनका रोल इतना है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आरबीआई सेबी वगैरह के अगर मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो कोई भी इश्यूज हो तो उसको जल्दी सोल्व किया जा सकता है। अदरवाइज क्या है कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आरबीआई बोलेगी नहीं मेरी जुडिक्शन में मामला नहीं है, आपकी में वगैरह वगैरह, ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। तो अभी इसको लेकर बिल लाया गया था, उस बिल में कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं, तो वो देखो वैसे हम सजेशन के तौर पर फिलहाल यूज़ कर सकते हैं। सजेशन की बात देखो ये दी गई है कि एक अभी एक अलग से अथॉरिटी बनाई जाएगी इस आई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए। जो अथॉरिटी क्या काम करेगी, उसमें एक तो होगा चेयरपर्सन, इसके साथ उसमें एक मेंबर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी एक मेंबर आरबीआई की तरफ से होगा, एक मेंबर सेबी की तरफ से होगा, एक मेंबर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से होगा, एक मेंबर है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से होगा, और एक दो मेंबर हैं वो इसमें होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और दो मेंबर होंगे इसमें फुल टाइम या पार्ट टाइम मेंबर होंगे। तो इस तरीके से इसमें मेंबर को एलोकेट किया जा रहा है, ताकि कुछ भी इश्यूज हो या कोई भी रेगुलेटरी का कोई विवाद हो तो तुरंत उसको सोल्व किया जा सके। अदरवाइज क्या होगा, एक मामला आरबीआई के पास जाएगा, फिर वो लटका रहेगा, फिर सेबीआई के पास जा सकता है। अगर वहीं पर इसकी अलग से बॉडी बनाई जाए ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके, तो काफ़ी ईजी है वो काम हो जाएगा। तो उसको लेकर अभी न्यूज़ है वो आई है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया में पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हीरा मिशन को लेके। देखो जो हीरा मिशन है वो आपको यह ध्यान रखना है कि यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यही है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना हीरा मिशन है वो लॉन्च किया है। नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है,
कि भाई इंडिया का है या किसका है। इसमें है क्या, इसमें देखो ये है कि जो इस पहला एक स्पेसक्राफ्ट है वो होगा जिसका नाम है, यहाँ पे नाम तो स्पेसक्राफ्ट का नहीं दिया गया है बट वो बाइनरी जो एस्टेरॉयड है उसको लेके न्यूज में आया है। तो ये तो देखो आपकी इतनी सारी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे कुछ फैक्ट देखते हैं। आगे देखो हीरा मिशन तो होगा मेनली यहीं पे कंप्लीट, इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट हैं जिनको हम एक बार आगे वाले टॉपिक से कवर करते हैं। एक नासा का टेस्ट है, हम एक तरीके से बोल रहे हैं कि नासा का एक प्रोब है जिसका नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, DART टेस्ट। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि DRT टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है। देखो आपको पता है कि स्पेस में काफ़ी सारे एस्टेरॉयड वगैरह हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे एस्टेरॉयड हो जो हमारी अर्थ की तरफ मूव करके और हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हो, अगर टक्कर वगैरह हो जाए। तो इसीलिए जो नासा है, स्पेस एजेंसी है यूएसए की, वो ये प्रयास कर रही है कि भाई जो जो एस्टेरॉयड इंडिया की सॉरी जो एस्टेरॉयड है वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं उनको रास्ते से पथभ्रष्ट किया जा सके ताकि वो अर्थ के कोलैप्स ना हो और अर्थ को नुकसान ना हो सके। तो इसीलिए उन्होंने ये टेस्ट कंडक्ट किया है जो कि 2021 या 24 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। एक एस्टेरॉयड है, इसका नाम आप यहाँ पे ध्यान है वो रखते हो, और एस्टेरॉयड है कौन सा वो अभी यहाँ पे देखो, उस एस्टेरॉयड का नाम है यहाँ पे डाइडीमोन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो डाइडीमोन एस्टेरॉयड है ये एक्चुअली जो गाजा के पिरामिड है इजिप्ट में उसकी साइज के हैं लगभग, और ये अर्थ की तरफ मूव करने की बात की जा रही है, मतलब ये अर्थ से फ्यूचर में कोलैप्स हो सकते हैं जिससे भारी तबाही है वो मच सकती है। तो इनको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए या फिर इनका रास्ता है वो डाइवर्ट कर दिया जाए, इसके लिए जो यहाँ पे डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन प्रोब टेस्ट है वो स्टार्ट किया गया था नासा के द्वारा। इसमें होगा क्या कि उनसे टक्कर करवाई जाएगी इस एक स्पेस यान की और फिर उसका रास्ता है वो अलग हो जाएगा या उसको चेंज कर दिया जाएगा, और उसमें टेक्निक यूज करेगी उसका नाम है काइनेटिक इंपैक्टर टेक्निक। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप देख लेना एक बार, ज़्यादा कुछ इतना आर्टिकल नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं, बट न्यूज़ में था तो हमने इसे अच्छे से कवर है वो कर लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो वीवीपैट को लेकर आया था। देखो आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहती है वीवीपैट है क्या वो हम देखते हैं। वीवीपैट की फुल फॉर्म यहाँ पे है वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब ये है क्या, देखो ये एक तरीके का फिजिकल कन्फर्मेशन है। देखो वैसे तो आपको पता है कि ईवीएम होती है वो इसी तरीके की होती है, उसमें ऐसे बटन होते हैं और यहाँ पे नाम और जो सिंबल है वो लगे होते हैं, बट काफ़ी धांधलेबाजी के आपको पता है आरोप लग रहे थे कि भाई ईवीएम में बटन दबाओ किसी और को वोट किसी और को मिला था। तो इसीलिए वीवीपैट जो मशीन है इनको इजाफ किया गया था, और इसमें होगा क्या कि जिस भी पर्सन को, जैसे मान लो कि यहाँ पे पहले पर्सन का नाम है XYZ, अगर उस XYZ को आपने वोट दिया तो इस मशीन के अंदर जो यहाँ पे देखो आप दिख रही होगी है डिस्प्ले सी है, इसमें आपको क्या होगा कैंडिडेट का सीरियल नंबर कि आपने एक नंबर दबाया दो नंबर जो भी, इसके साथ ही कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल जैसे कमल का फूल हो, हाथ हो, टांग हो, जो भी हो, मतलब वो सिंबल यहाँ पे शो आपको हो जाएगा। तो एक तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी हाँ भाई मैंने वोट दिया वो सही जगह गया नहीं गया। तो ये आपको तीन चार चीज़ें ध्यान रखनी है कि वीवीपैट में यहाँ पे क्या क्या शो होगा, UPSC में भी पूछ ले। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2019 रिपोर्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह रिपोर्ट जारी की जाती है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यानी UNDESR। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, इसके बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था। देखो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसने अभी ये बोला था कि USA और जो चाइना है ना इसके बीच में जो ट्रेड वॉर छिड़ रहा है ना इसका फायदा होने वाला है इंडिया को, नुकसान होने की बजाय। क्यों, देखो सीधी सी बात आप ये देख सकते हो, अगर ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे बैन वगैरह लगा रही हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या फिर इनका वो जो सर्विस सेक्टर है वो प्रभावित होगा, और इंडिया को आपको पता है कि इंडिया को तो यही चाहिए, अगर इंडिया का सर्विस सेक्टर को इंडिया को मौका मिलेगा तो इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई थी, तो ये कल की न्यूज़ में था तो मेरे को भी ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भाई जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी और इंडिया है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी 2019-20 में। इंडिया की ग्रोथ रेट की उम्मीद की जा रही है 7.6% 2019 में। तो ये तो कुछ फैक्ट है। अब देखो इसने ये भी कहा है इस रिपोर्ट में, मतलब अंडेसा और UNCTAD ने, कि तीन तरह के मेजर रिस्क हैं कौन कौन से आज के टाइम पे। एक तो है ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड को लेकर जो वार लड़ाई छिड़ी हुई आपको पता है। दूसरे तरह के इश्यूज हैं फाइनेंशियल कंडीशन, आपको पता है ग्लोबल लेवल में मंदी आने के चांसेस हैं, काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सामने देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा है यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क। तो ये तीन मेजर रिस्क यहाँ पे सामने दिए गए हैं, तो UPSC में भी इनको पूछ ले। तो देखो ये थी वैसे आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। जो PDF है, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम का चैनल है वेलकम UPSC, वहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।